पहले समस्त भोजपुरिया वालों को मेरा नमस्कार प्यार, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर दीपक शाह जी हैं और जिन्होंने बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से मुझे मौका दिया एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए। उनका अपना कंसेप्ट है, ये उनका अपना अंदाज था इच्छाधारी बनाने के लिए, और जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी उस पूरी फिल्म के दरमियान से लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे बगल में ही बैठे हैं, एक बार पैनिंग करके उनको भी इंक्लूड कर दीजिएगा कि वो साथ में बैठे हैं, और उनको बेसब्री से इंतजार है इस फिल्म का कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंस, उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि फिल्म एक अलग ही अंदाज में दिखेगी। मैं अपने बाबूजी को बुलाना चाहता हूँ जिनका विश्वास हम सब पे और हमारी फिल्म पे और हमारे हीरो में सुरेश कुमार पर है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरे बच्चे के लिए क्या कहूँ, मेरी फिल्म के लिए क्या कहूँ, मगर आप सबको ये फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार होना एकदम लाजिम रहेगा, क्योंकि ये फिल्म ऐसी हटके बनी है, बनाने का प्रयास किया है और हमें तो लगता है कि बनी भी है। घर की बहू बेटियों के साथ एक अच्छी फिल्म देखने का मौका आज तक भोजपुरी चलचित्रों में बहुत कम मिला है, और ये एक नया प्रयास हमने किया है कि जो घर की बहू बेटियों के साथ बच्चों के साथ फिल्म देख सके और आनंद ले सके। सर फिल्म के लिए स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज की गई, क्योंकि इच्छाधारी नागिन काफ़ी डिफिकल्ट रोल है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह? देखिए, सबसे पहले जब हमारे बाबूजी ने और मेरे हीरो यश कुमार ने जब कहा कि इच्छाधारी बनानी है, तो बट नेचुरल इच्छाधारी का मतलब नाग नागिन तो होता ही है, बट इच्छाधारी नाग मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यश कुमार का जो लुक है, जो उसकी स्टाइल है, जो उसकी चलने की अदाएं हैं, जो बोलने की उसकी स्टाइल है, जो नाचने का उसका स्टाइल है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसके पहले मैं उसके साथ दिल लगा के बेवफा एक एल्बम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और उस एल्बम में मैं उसके साथ काम किया, मुझे लगा इसमें पोटेंशियल है और इच्छाधारी बनाया जा सकता है, और मैंने कहा ठीक है ओके हम लोग करते हैं इच्छाधारी नाग। और उसके बाद जब नागिन की सर्च शुरू किया तो हम लोगों ने लगा कि 5-5 फिल्में नाग नागिन पे जो बन चुकी हैं उनमें से सारी फिल्मों में रानी चटर्जी ही रही है, तो क्यों ना नागिन के लिए उसको ही टेस्ट किया जाए फिर से। बट इच्छाधारी नाग नागिन दूसरी फिल्मों से ये अलग दिखेगी, क्योंकि मेरा इच्छाधारी नाग जो है और नागिन जो है दोनों का रोमांस दिखाई पड़ेगा, और जो लोगों को गुदगुदाएगा कि कैसे नाग नागिन इंसानी जिस्म से जीव जंतु वाले नाग नागिन बनते हैं और कैसे प्यार करते हैं और कैसे सम ऑडियंस को कैसे सम्मोहित करेंगे, ये फिल्म का एक बहुत बड़ी कला दिखाई पड़ेगी इस फिल्म के माध्यम से। आपके लिए कितना स्पेशल मोमेंट है आज के लिए, आपका बाबूजी यहाँ पर है और सारी स्टार कास्ट यहाँ पर है, क्या कहेंगे? इट्स ग्रेट डे फॉर मी, और मैंने जरूर 4 फिल्में डायरेक्ट किया हूँ, बट इस फिल्म को बनाने का एक नया अंदाज, एक नया महसूस, एक नई एनर्जी, और सबसे बड़ी खैसियत है कि मेरे बाबूजी तो नहीं है बट ऐसा लगा कि मुझे एक दूसरे बाबूजी मिल गए हैं उस रूप में। और आज मेरी माँ भी आई हुई है, और पहली बार भोजपुरी सिनेमा या किसी भी माध्यम का सिनेमा हो, टेलीविज़न पे भी मैंने काम किया, हिंदी सिनेमा में भी मैंने काम किया है, एल्बम मैंने किया है, लेकिन पहली बार मेरा परिवार आया हुआ है, मेरी माँ आई हुई है, और मेरे बाबूजी ज़रूर ऊपर बैठ के उनको बहुत खुशी हो रही होगी कि आज मेरे बेटे के साथ उसकी माँ भी है और एक और बाबूजी हैं और हीरो मेरा छोटा भाई है वो भी है, तो एक बड़ा मज़ा आएगा। ये इच्छाधारी बना के मुझे ऐसा लगा मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई हैं, और एक बड़ा ही स्पेशल गिफ्ट भी मिलने वाला है जो सबके लिए बड़ा ही वंडरफुल होगा, मैं नहीं बताना चाहूँगा, ऑटोमेटिक मीडिया को मालूम पड़ जाएगा वो क्या है। इट्स अ ग्रेट डे फॉर मी, और एक फिर से एक देव पांडे का पुनर्जन्म है नाग नागिन बनाने का, और गलती से राइटर ने नाम भी लिख दिया, मेरे हीरो का नाम देव है, हीरो का भी नाम पिक्चर में देव ही है, और देव को एक फिर से पुनर्जन्म मिला है, बड़ा मजा आएगा पुनर्जन्म की फिल्म देखने के बाद। इसके अलावा फिल्म जैसे कि आपने कहा कि नाग नागिन पर है, इच्छाधारी नाग नागिन है, और इसमें पुनर्जन्म का भी है? नहीं, पुनर्जन्म नहीं है इसमें, पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म मेरा हुआ है इस फिल्म के माध्यम से, देव पांडे का फिर से पुनर्जन्म हुआ है, जो इसके बाद कई और सीरीज इस तरह की फिल्में, फैंटेसी और इस तरह के रोमांस और इस तरह की गुदगुदाने वाली चीज़ें, ये मैं पेश करूँगा। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा फिल्म के लिए USP क्या होगी, क्यों देखनी चाहिए फिल्म ऑडियंस को? फिल्म को देखने के बाद देखिए, सदियों से फिल्में जो है लोग जानवर एनिमल्स को यूज़ करते आए हैं, बट हमने जो यूज़ किया है उसको, उसमें हमने रोमांस, प्यार, और मतलब हमने ये दिखाया है कि इंसान स्वार्थी हो सकता है लेकिन जानवर कभी स्वार्थी नहीं हो सकता, ये सदियों से हमने बचपन से देखते आया है कि जानवर तो बड़ा वफादार होता है, तो इसमें हमने दिखाया है कि हमारे नाग नागिन कितने वफादार हैं, कि जिस माँ के या जिस बाप के बेटा बेटी नहीं हैं, जो मर चुके हैं, मतलब एक प्रकार से डबल रोल होगा हीरो हीरोइन का, और उन लोगों ने कैसे उनके परिवार को प्यार देने के लिए अपना सब कुछ, अपनी मतलब अपनी जान की बाजी लगा देते हैं नाग नागिन, ये फिल्म देखने में मजा आएगा।
कि इच्छाधारी नाग है क्या चीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। किरदार की बात करते हैं, किस तरह का किरदार आपके बारे में आया फिल्म में? देखिए ये पहली बार मेरे लिए, चूँकि मैंने अभी तक 10, 12, 15 फिल्में हो चुकी हैं मेरी, शुरुआत से ही चैलेंजिंग रोल मिलते रहे। जैसे दिलदार संवरिया थी, उसमें एक ऐसे दिलफेक युवक की कहानी थी, एक ऐसे हरफन मौला कैरेक्टर की कहानी थी, जिसे इस कदर एक्शन करवाया गया जिससे मुझे पहली फिल्म से लोगों ने नाम दे दिया, एक एक्शन किंग कहने लगे। तो पहली फिल्म से ही चैलेंज मिला, फिर राजा जी, आई लव यू, दिल लागल दुपट्टा वाली से दरिया दिल, सपेरा और लागी तौसे लगन, बलम रसिया, काफ़ी ऐसी फिल्में आईं जो एक से बढ़ के एक चैलेंजिंग रोल थे। बट जब इच्छाधारी की बात आई और जब इच्छाधारी कहानी सुनाई गई, तो यकीन मानिए मैं जहाँ बैठा हुआ था ऐसा लगा था कि मैं एकदम हक्का बक्का, सच में मुझे सांप सूंघ गया है। प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब के इस विश्वास को कि इच्छाधारी जैसे कठिन रोल को क्या मैं निभा सकता हूँ, ये विश्वास करना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बट अच्छा लगा कि उन लोगों ने विश्वास किया। और मेरे अब तक की जितनी भी फिल्में मैंने की हैं, उन फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमर्शियल मूवी, सबसे बड़ी एक्शन मूवी और बड़ी मज़ेदार फिल्म का नाम है इच्छाधारी, जो अभी आप लोगों के बीच में। इसके अलावा आपका लुक काफ़ी चेंज लग रहा है फिल्म में, तो अपने लुक को लेकर क्या काम किया है और अपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन किया? लुक को लेकर के मैं शुरू से ही अपनी हर फिल्मों में कहीं ना कहीं अलग लुक लेने की कोशिश करता हूँ। रही बात इच्छाधारी की, तो इच्छाधारी में देव पांडे ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये डबल गेटअप की कहानी है, हमारी बाकी की फिल्मों की तरह रूटीन वर्क नहीं होगा, एकदम डिफरेंट होगा। इसके एक्शन ऐसे होंगे जो आपको हैरत अंगेज कर देंगे। जैसे हम लोगों ने नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो सुपरमैन को अक्सर हम देखते रहते हैं हैरत अंगेज कारनामे करते हुए, स्पाइडरमैन को देखते रहते हैं और हॉलीवुड के तमाम सुपर हीरोज़ को हम देखते रहते हैं अलग अलग कारनामे करते हुए। तो हमारी इच्छाधारी में पहली बार एक नाग है, एक लड़का है जो डबल रोल प्ले कर रहा है, वो एक कॉमन मैन भी है, वो एक इच्छाधारी नाग भी है। तो डबल रोल जिस तरीके से प्ले किया गया है वो अपने आप में एक हैरत अंगेज है, वो देखने लायक। रानी के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, रानी के साथ हमारी एक फिल्म आई थी दरिया दिल, बड़ा नोकझोंक था उसमें, हम दोनों एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते थे, बड़ी मस्त और हरफन मौला फिल्म थी, फ़नी फिल्म थी। और उस फिल्म को करने के बाद से काफ़ी ऐसे ऑफ़र आए मेरे पास जिसमें पता चलता था कि रानी जी हीरोइन है, बट रानी के साथ काम न करने की वजह थी कि कहीं ना कहीं हम दोनों को ऐसी चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो एक दूसरे को परफेक्ट स्टेज दे सके। बट इच्छाधारी फिल्म जब कहानी आई और जब पता चला कि हम और रानी अगेन काम कर रहे हैं साथ में, तो बड़ा मज़ा आया। और फिल्म में हमारी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, फिल्म में फिल्म कितनी अच्छी बनी है, हम दोनों की वजह से, पूरी टीम की वजह से देखने लायक बात। ये फिल्म मई लास्ट में रिलीज़ हो रही है, दर्शकों के बीच में जा रही है और लगभग लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई, ये सारी टेरिटरी लगभग एक साथ रिलीज़ होगी। और इसके पहले अभी जैसे हाल ही में मेरी अगले महीने, ये मई में रिलीज़ हो रही है इच्छाधारी, अप्रैल में मेरी फिल्म हीरो गमछा वाला रिलीज़ हो रही है, मई में ये रिलीज़ होगी, फिर जून लास्ट में मेरी एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी फिल्म यूपी के एक बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, उनके ऊपर एक फिल्म बनी है रंगदारी टैक्स, तो रंगदारी टैक्स में मैं श्री प्रकाश शुक्ला का रोल कर रहा हूँ, बड़ी शानदार फिल्म बनी है और वो भी एक डिफरेंट, एक अलग ही यश नज़र आएगा, एक अलग लुक नज़र आएगा, एक अलग परफॉर्मेंस नज़र आएगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इच्छाधारी जो फिल्म बनी है भोजपुरी में, उसके तमाम जो कलाकार हैं, जो यूनिट के सदस्य हैं, सभी सदस्यों को हमारी बहुत बहुत शुभकामना है, ये फिल्म अच्छी चले और इस तरह की फिल्म बननी चाहिए। एक्टर एक्ट्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने तो एक्टर बहुत बढ़िया हैं, मैंने उनके साथ एक फिल्म डायरेक्ट किया है राजा जी आई लव यू, अच्छी गई थी पिक्चर और लोगों ने सराहा था यश कुमार को, तो मेरे हिसाब से हीरोइन के विषय में कुछ कहना नहीं, जो हीरोइन एज एन एक्ट्रेस 100 से ऊपर फिल्में कर चुकी हूँ, उसके विषय में कुछ बोलना मतलब कुछ अच्छा ही बोलना अच्छा होगा। और रानी चटर्जी के विषय में मैं तब से जानता हूँ जब से ससुरा बड़ा पैसा वाला में मेरे साथ उसने काम किया था, अच्छी है। और भोजपुरी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो या दोनों प्रदेशों से बाहर की जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, सभी लोग उसे प्यार करते हैं। रानी चटर्जी के विषय में यही बहुत बड़ी बात है कि आज भी इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, 100 से ऊपर या ऊपर फिल्में कर चुकी,
उसके विषय में कोई कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, अच्छी हीरोइन है। और रही बात यश कुमार की, तो नवोदित जो भी कलाकार हैं उनमें बहुत टैलेंटेड हीरो हैं। मुझे एक सौभाग्य मिला है कि मैं उनके साथ एक फिल्म किया हूँ एज एन डायरेक्टर, राजा जी आई लव यू। तो पिक्चर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो काम करते करते भी तजुर्बा बढ़ता है। और ये फिल्म का जैसा मैंने देखा, कुछ ट्रेलर देखा, गाने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लग रहा है कि फिल्म भोजपुरी भाषा भाषी लोग जो है पसंद करेंगे। सर, बात करें जैसे कि भोजपुरी सिनेमा के सुनहरे दौर में शुरुआत है, कहीं कहीं वहाँ से आपने एक नया दिशा दिया, और आज भोजपुरी सिनेमा जो है स्तर, क्या कहना चाहेंगे जो आज भोजपुरी सिनेमा चल रहा है और ये इच्छाधारी फिल्म आई है जो कि सिनेमा में कहीं कहीं? देखिए, एक बात बता रहे हैं, भोजपुरी अगर कुछ सही बोलना हो तो सही ही बोलेंगे, कैमरे के सामने है। भोजपुरी का विकास में कुछ जो बाधाएं हैं उसमें बिहार सरकार भी है। मैं मंत्री था और मैंने बहुत कोशिश किया, शायद उस कोशिश को आगे बढ़ने का मौका मिला, मौका देंगे नए माननीय मंत्री। लेकिन जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश, जो भोजपुरी का गढ़ माना जाता है, जहां भोजपुरी भाषा भाषियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर जब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा, स्टूडियो का निर्माण नहीं होगा, जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं जो अपना सिनेमा तोड़वा तोड़ा के गोदाम बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल के मालिकों को तवज्जो नहीं दी जाएगी, उनका डीजल की सब्सिडी नहीं दी जाएगी, जहाँ जहाँ विद्युतीय अभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में और जो टैक्स है उसमें भी सिनेमा मालिकों को राहत नहीं दी जाएगी, तो ये व्यवसाय मतलब जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगा। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं मंत्री पद पे रहते हुए बहुत कोशिश किया कि फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हो, स्टूडियो का निर्माण हो, और कुछ फाइल आगे भी बढ़ी है। मुझे लगता है कि एक दो साल में बिहार में फिल्म निर्माण से संबंधित जो स्टूडियो होते हैं उनका निर्माण हो जाएगा और सब्सिडी भी सरकार देगी। लेकिन अभी तक उसमें जो पहल होनी चाहिए, जिस तरह की गतिशीलता आनी चाहिए, वो गतिशीलता नहीं आई है। और भोजपुरी सिनेमा का व्यवसाय जो है इसे भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी बात है कि भोजपुरी भाषा भाषियों में जो फिल्में बनाई जाती हैं, उन फिल्मों में भोजपुरी की महक, मिट्टी की सुगंध, भोजपुरी कल्चर, भोजपुरी सभ्यता, भोजपुरी संस्कृति का अभाव है। और इससे इसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग भोजपुरी बनाते हैं वो लोग अपना पैटर्न बदल दें, उनको लगता है कि हम इसमें 4-5 डबल मीनिंग के गाने डाल देंगे, हम इसको मसाला फिल्म बनाएंगे, एक्शन के लिए तमिल तेलुगु जैसी एक्शन उसमें समाहित करेंगे तो ही फिल्म चलेगी। तो भोजपुरी कल्चर से फिल्में हट जाती हैं। जो दर्शक कहते हैं वो यही कहते हैं कि जब हमको 50-100-150 रुपए की टिकट में सलमान खान की पिक्चर मिलती है, शाहरुख खान की पिक्चर मिलती है, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो विदेशों में शूट की हुई रहती हैं वो मिलती हैं, तो मैं उसी पैसे में भोजपुरी फिल्म क्यों देखूँ, जहाँ न वो सीनियरी मिलता है, न जहाँ वो तकनीक मिलता है जो फिल्मों के बनाने की तकनीक है। तो इस तरह की बातें हैं, अगर इन सभी बातों को गहराई से देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ सकती है, और इसमें सरकार का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, आज भोजपुरी यहाँ तक पहुँची है तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की जो मेहनत है वही है, इसमें किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन अभी तक तो नहीं है, शायद आगे हो। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह का कार्यक्रम चला रही है, कुछ निर्माताओं से, निर्देशकों से ऐसी सूचना मिली है, मैंने गाइडलाइन भी मंगवाया है, लेकिन बिहार सरकार अभी उत्तर प्रदेश सरकार से पीछे है। हम लोग बराबर सरकार के संज्ञान में बात दे रहे हैं कि जहाँ भोजपुरी फिल्में 100 से 150 की संख्या में बनती हैं, 80 से 100 की संख्या में रिलीज होती है, वहाँ एक इतनी बड़ी संख्या में कलाकारों का जीवन, कलाकारों का भविष्य जिस फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ है,
उसमें सरकार की सहभागिता होनी चाहिए और सबका आशीर्वाद होना चाहिए। थैंक यू। चलते चलते एक आखिरी सवाल, अगर आपको मंत्री का रोल इस फिल्म में या किसी भोजपुरी मिले? मैंने किया है, मैंने तो मुख्यमंत्री का रोल किया है। फिल्म है खून पसीना, दिनेश लाल जी उसमें हीरो हैं और इस तरह का मौका मिला है। ये इंडस्ट्री आपको पास आई कि नहीं? मैं तो इसी इंडस्ट्री का हूँ। आपको शायद हमारे विषय में बहुत जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी मैं बता देता हूँ कि मैं 400 फिल्मों का राइटर हूँ और पिछले 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ। शायद उस समय आप 10 साल के होंगे, इससे बड़ी आपकी उम्र नहीं होगी। मैं बहुत दिन से हूँ और आपने एक और प्रश्न उसी के साथ पूछा कि आपको कहाँ मन लगता है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, निर्दल जीता, फिर मंत्री बना, फिर दोबारा बीजेपी से जीत करके विधानसभा का सदस्य बना हूँ, लेकिन जनता सेवा में भी मन लगता है, जनता सेवा में भी आनंद आता है, क्योंकि हम लोग वहाँ ठगने नहीं गए। कलाकार सहृदय भावुक विचारधारा का व्यक्तित्व होता है और हम लोग देश के प्रति सोचते हैं, समाज के प्रति सोचते हैं, इसलिए अन्यत्र कहीं दिमाग भटकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो अवश्य कहूँगा कि आज भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री पॉलिटिकल जो लोग हैं या पॉलिटिक्स की जो दुनिया है, राजनीति का जो क्षेत्र है, उससे बहुत बहुत ही अच्छा क्षेत्र है हमारा सिनेमा का, क्योंकि आज इस देश में 10% लोग बचे हैं जो देश के लिए सोचते हैं। बाकी मैं सदन में बैठता हूँ, लोगों को देखता हूँ, समाज में घूमता हूँ, देश की किसी को फिक्र नहीं है, सबको पैसे की फिक्र है और इस देश को भगवान बचाए, हरी भरोसे हिंदुस्तान। क्यों नहीं करूँगा मैं तो, जब तक जिंदा रहूँगा और इंडस्ट्री के लोग मुझे एक सीन भी कहने के लिए करेंगे तो मैं सौभाग्यशाली रहूँगा और करूँगा। मुझे फिल्में करनी है, मैं फिल्में नहीं छोड़ सकता और मुझे खुशी होती है। मेरे पास कोई ईगो नहीं है कि मैं माननीय मंत्री पद संभाला हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं 300-350 फिल्मों का राइटर हूँ, गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ, 4-5 फिल्मों का डायरेक्टर हूँ, मैं क्यों छोटा सा काम करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी ही मेरा जीवन है और भोजपुरी से ही लोग मुझे जानते हैं, भोजपुरी ही मुझे पहचानता है, भोजपुरी ही मेरी पहचान है, मैं इसके सिवा कहीं जा नहीं सकता। भोजपुरी में मुझे अगर कूड़ा उठाने का भी रोल मिलेगा तो मुझे करने में आपत्ति नहीं है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, भारत माता की जय बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? एकदम बोलनी चाहिए। भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या चाइना का जय बोलेंगे? बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, मत बोलें। भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। देखिए, भारत विविधताओं का देश है, भारत में 2700 जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे खान पान रीति रिवाज है, ये विविधताओं का देश है और इस विविधता के बावजूद अगर इतनी एकता है तो यही कम नहीं है। लेकिन भारत देश के प्रति अगर कोई आदमी अपनी संवेदना व्यक्त नहीं करता है तो मैं उसे भारतीय नहीं मानता। चलते चलते आपके अंदाज में भोजपुरी के संदेश, भोजपुरी में हम यह कहब कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग जियत खात बा, कलाकारी के माध्यम से मनोरंजन दे रहा बा, अपने सब हैं जे हमरा के देख रहा बनी, सुन रहा बनी, भोजपुरी फिल्म देखी, इच्छाधारी के म्यूजिक रिलीज पर हम आयल बनी, अपना यश कुमार का आशीर्वाद देवे, फिल्म से जुड़ल तमाम कलाकार के अपन सहानुभूति व्यक्त करें और फिर एक बार चैनल के माध्यम से, बहुत सारा चैनल के सामने हम बैठल बनी, ये माध्यम से हम प्रणाम करते हैं अपना भोजपुरी भाई लोग के, भोजपुरी समाज के। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज। सर, आपको बढ़िया लिखा है कोनो भाषा, दो लाइन में सर। जय भोजपुरी समाज। खान के हम धनंजय मिश्रा संगीतकार, हमारे तरफ से आप सबके प्रणाम बटे और आप सबके बीच में एक बहुत बेहतरीन, बहुत टेक्निकल फिल्म और इंटरटेनिंग फिल्म आपके बीच में प्रस्तुत होता थे, जौना का नाम बटे इच्छाधारी, बहुत बेहतरीन फिल्म बटे। देव जी जे का डायरेक्टर बने, दीपक शाह जी जे प्रोड्यूसर बने और हमार भाई यश कुमार बहुत बेहतरीन अभिनय के लिए बने। हमार उम्मीद बटे और विश्वास बटे कि आप सब ये फिल्म के सराहब देखब और हमने के और आशीर्वाद दे, शुभकामना हमें।
सबसे पहले और संगीता जी, हाँ जी, जब भी आते हैं पैकेज होता है, आज क्या है? माय गॉड, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते, संगीता तिवारी की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। मैं आज यहाँ पर यश जी को और रानी जी को कांग्रेचुलेशन करने के लिए आई हूँ और उनको बहुत बधाई देती हूँ। इच्छाधारी उनकी फिल्म म्यूज़िक रिलीज़ हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो मेरा वो पैकेज वाला धमाका वो ये है कि यश जी के साथ में मेरी फिल्म आ रही है हीरो गमछा वाला। तो मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म जितनी सुपर हिट होगी हीरो गमछा वाला, उससे भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट होगी। पूरी टीम को क्या शुभकामनाएं? मैं इच्छाधारी के पूरी टीम को, जितने भी कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं, सभी लोगों को दिल से बधाई देना चाहती हूँ। फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और कहानी भी बहुत अच्छी है, और इस तरह का सब्जेक्ट आजकल ऑडियंस बहुत पसंद करती है। तो मैं सभी लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप लोग इच्छाधारी फिल्म देखिए, और जितना आप लोग कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे, हम लोग और अच्छा काम करते हैं। तो सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहला देव पांडे को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इतना सीनियर डायरेक्टर इतने साल से करते आ रहा है। मैंने कम से कम इसके साथ कंटिन्यूस काफ़ी पिक्चरें की, और देव पांडे सीनियर डायरेक्टर, इतना अच्छा डायरेक्टर, उसको आज तक इतना अच्छा ब्रेक नहीं मिला। आज ये इच्छाधारी आ रही, उसके हिसाब से बहुत अच्छा उसके लिए ब्रेक है, बहुत बड़ा ब्रेक है। और आगे भी और दो तीन पिक्चर कर रहे हैं, अभय जी की कर रहा है, काफ़ी पिक्चरें कर रहा है, और ये पिक्चर इच्छाधारी, इनको कांग्रेस दे रहा हूँ। और ख़ास करके यश, एक नया स्टार यश मिश्रा, वो बहुत अच्छा आजकल डांस करने लग गया है, तो उसको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। इच्छाधारी पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं और बहुत सारे गाने आपने पिक्चराइज किए हैं, आपने भी किए हैं, लोगों के भी देखे आपने, तो इसमें क्या नया कुछ हुआ है? हर एक में नया स्टाइल आता है, जैसा एक नागिन, दो नाग नागिन है, उनके अलग एक स्टाइल तो फिक्स है। नाग नागिन को हम लोग वेस्टर्न नहीं करवा सकते, उनको इंडियन ही टच देना पड़ता है। तो इंडियन टच ये पिक्चर में काफ़ी अच्छे, इसमें मास्टर है कानू मुखर्जी, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैं नागिन पिक्चर में किया था राजकुमार पांडे की, इसमें खाली ब्लेसिंग देने में आया हूँ। और मेरा ही बेटा है कानू मुखर्जी, उसने बहुत अच्छा गाना पिक्चराइज किया, अच्छा कोरियोग्राफ किया। बस हम चाहते हैं कि हम लोग का एक टीम हमेशा आगे बढ़ते रहे, वही हम लोग की इच्छा। थैंक यू। बहुत ही प्यारा संगीत है और छोटे बाबा जी ने म्यूज़िक दिया है, और जब ये मुझे सॉन्ग दिया गया गाने के लिए, तो एक अलग सिचुएशन है, रोमांटिक सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। ऐसा सोचिए कि इस फिल्म की जान है ये सॉन्ग, और इसको मैंने गाया है और मोहन जी ने गाया है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और मैं दो लाइन बताने भी चाहूँगी वो सॉन्ग को। 12 बजे रात में आहा मजा मुलाकात के, 12 बजे रात के मजा मुलाकात के, 12 बजे रात के मजा मुलाकात के, ए हो राजा गजब बुझाला है गर्मी बुझाला है चलना दुताला, गर्मी बुझाला है चलना दुताला। इसके अलावा मेरी अभी एक हिंदी मूवी आई है तन मन धन, उसमें मैंने आइटम सॉन्ग गाया है, और मैं चाहती हूँ कि वो भी ऑडियंस देखे और पसंद करे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेरा मनपसंद अभी एक मैंने एक एल्बम किया है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वो मैं दो लाइन ज़रूर करना चाहूँगी। कि माई से माला बनी हर दिन अरे भौजे से करवाते, कि दीदिया से बाम लगवानी उहो भैल हो पे, कि साहल सहात नहीं खे हो खत्म ने बता, बालपन से कमर बीच होता दर्द, बालपन से कमर बीच होता दर्द।
देखिए मैं इस फिल्म मतलब मेरा बाहर से समर्थन है, मैं इस फिल्म के में नहीं हूँ, बट इतना मेरा दावा है कि बहुत एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, अलग फिल्म बनी है, ये दावा नहीं कर सकते कि ये सब्जेक्ट नागनागिन में बहुत फिल्में आई, बट इस बार कोशिश ये है कि बहुत अलग तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत अलग है इस फिल्म का। देव पांडे बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, फिल्म की कास्ट बहुत अच्छी है, यश रानी, प्रियंका और देश मिश्रा, मनोज टाइगर, डेलू, म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है इस फिल्म का जिसकी आज लॉन्चिंग है। एज ए प्रोड्यूसर दीपक जी के साथ मैं 4 फिल्में कर चुका हूँ, मुझे मालूम है प्रोडक्शन वैल्यू में कहीं कोई कमी नहीं रखते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा, और उम्मीद है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए क्योंकि बहुत डिफरेंट शेड और डिफरेंट तरीके से बनाई गई फिल्म है। मेरी पूरी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ है कि फिल्म इस साल की बहुत बड़ी हिट। मेरी फिल्में तो आने वाली बहुत सारी हैं, अभी आने वाली है मुकामा 0 किलोमीटर जो प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस की, बम बम बोल रहा है काशी वो आने वाली है, दिलवाला, लगभग 8-10 फिल्में लाइनअप हैं जो इस साल रिलीज़ होंगी, अभी होली में रिलीज़ हुई आशिक आवारा, तो बहुत सारी फिल्में हैं इस साल। यश कुमार के लिए, यश के साथ तो मेरी यश की जो पहली फिल्म थी उसका विलन मैं ही था जिसमें यश मिश्रा लॉन्च हुए थे, तो मेरा तो बड़ा छोटे भाई बड़े भाई ऐसा अटैचमेंट है उनके साथ, और ऐसे एक्टर जो जितने अच्छे एक्टर हैं उतनी अच्छी फाइट करते हैं, उतना अच्छा डांस करते हैं, मतलब जिसे कहा जाए कि कंप्लीट एक्टर हैं, और जिसमें टैलेंट है वो चलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, और यश चलेंगे नहीं दौड़ेंगे। ओके इच्छाधारी फिल्म का प्रमो मैंने देखा हुआ है पहले और मुझे काफ़ी पसंद आई इस फिल्म के लिए, और मेरी तरफ से इच्छाधारी की सारी टीम को, दीपक शाह जी को और यश मिश्रा को, रानी चटर्जी को, सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ अपने तरफ से और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरी आने वाली भोजपुरी फिल्म जो है होगी प्यार की जीत है और नियरली कंप्लीशन पे है और वो जल्दी दर्शकों को देखने को मिलेगी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, इवन मुझे लगा था कि नाग नागिन की कुछ कहानी होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ नई बात है, और सबसे अच्छी बात है इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, और मुझे इस फिल्म में यश का और निर्देशक देव पांडे जी का काम बहुत अच्छा लगा। हमारी ओर से पूरी टीम को शुभकामनाएं, इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। म्यूजिक में हम लोगों ने सबसे पहले ये मैंने ध्यान दिया था कि जो सिचुएशन है, जो अपने गाने का सिचुएशन है, उसके हिसाब से कुछ गाने, 3-4 गाने जो अपने फिल्म के कहानी को बिल्डअप करें, उसका मैंने ध्यान रखा था, तो 2-3 गाने इसमें सिचुएशन के आधारित पे भी आधारित है, और बाकी सब सारे गाने मैंने कोशिश किया है कमर्शियल रहे, जो कि सुन के मजा आए पब्लिक को। जी एक गाना है हमरे हाथ की लकीर, हमरे हाथ के लकीर में तो खा चल बाड़ू, सीधे राम जी के हाथवा में सा चल बाड़ू। इस तरीके से गाना है जो नहीं, मैं तो एक ही गाना इसमें फिल्म में लिखा हूँ, दो गाना है मेरा, एक गाना माँ के ऊपर है जो इस फिल्म का बड़ा अभिन्न अंग है, उस गाने का मुखड़ा है कि काहे चिन्हत नहीं खुमाई, हम तो तोहरे हई पर छाई, तनिका छतिया से अपना लगा ले तू ना माई, हमरो कर जवा जुड़ा दे तू ना माई, हमरो कर जवा जुड़ा दे तू ना। रोमांटिक है सुना दीजिए कुछ बिल्कुल, बाकी रोमांटिक गाने हैं इस फिल्म में, और फिल्म बहुत अच्छी बनी और देव जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट कुछ ऐसी फिल्में आएंगी तो कुछ अलग ही
दर्शकों को। हाँ, अरे यश तो मतलब अभी ये इसके बाद आ रही है वो रंगदारी टेक्स, लेकिन यश इच्छाधारी बहुत अच्छी बनी है इसमें, और यश एक मतलब आने वाला भविष्य है वो भोजपुरी के लिए। सर आपके लिए आपका कुछ प्रोजेक्ट शेयर करना? मैं अभी रिलीजिंग अभी शूट हो चुकी है फिल्म जिद्दी, और भी है अभी जहरीला अपराधी, और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं अच्छे से शुरू कर रहे हैं हम, और यश जी के साथ भी अभी कमिट है, जैसा कि इच्छाधारी 2 अभी हम लोग आगे कुछ करने वाले हैं ऐसा जी। थैंक यू बाबा। छोटे बाबा, जब एक आखिरी गाना वो दो लाइन है जो आपका बहुत फेमस होना है, मन करे लोढ़ा से अरे मन कह रे सिलवट पे लो ओढ़ा से आ कुछ दिन जवानी रजऊ आ कौन सबत संग काट तारा चानी लगा के मच्छरदानी रजऊ। आज इच्छाधारी का जो है म्यूजिक लॉन्चिंग है, ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है दीपक शाह जी हैं एंड डायरेक्टर देव जी, और मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पहले सबको प्रणाम नमस्कार, मेरी तरफ से इच्छाधारी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मालिक करे ये फिल्म अपने नाम की तरह अपनी इच्छा नहीं हमारी इच्छा से बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, पब्लिक की इच्छा से सक्सेस हो, और हमारे जो हीरो हैं यश, हमारे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मालिक करे उसकी पिक्चर बहुत चले और मार्केट में एक नया हीरो आए। रानी जी, आज धमाकेदार म्यूजिक लॉन्च होने वाला है इच्छाधारी का, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का म्यूजिक है, सबसे पहले म्यूजिक के बारे में? आई एम डैम एक्साइटेड क्योंकि इच्छाधारी एक म्यूजिकल फिल्म है और इसके गाने एक्सीलेंट है, रोमांटिक है, डांसिंग नंबर है, सैड सॉन्ग है, तो म्यूजिकली हिट फिल्म होगी मेरी, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। इससे पहले आपने नागिन की है, तो ये किरदार उससे कितना अलग होगा और सेम किरदार आपने फिर से की? सेम नहीं चुना मैंने, नागिन हिट के बाद मुझे बहुत सारी फिल्में ऐसी मिल ऑफर्स हुई थी जिसमें मुझे नागिन बनना था, बट मैं फिर नागिन नहीं बनना चाहती थी, बट जब इच्छाधारी मुझे ऑफर हुई और यश ने और देव जी ने जब मुझे रोल सुनाया तो काफ़ी डिफरेंट था। इसमें सिर्फ नागिन सिर्फ डस नहीं रही है, नागिन इसमें रोमांस कर रही है, इमोशंस में बंधी हुई है, पेरेंट्स से इमोशंस में बंधी हुई है, मींस एक जानवर और इंसान के बीच की स्टोरी है, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने इच्छाधारी को चुना। जैसे कि आपने कहा कि आपका रोमांस होगा, इमोशन होगा, तो केमिस्ट्री कैसी रही यश के साथ? मेरी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म दरिया दिल थी, ही इज़ वेरी गुड एक्टर और हमारी केमिस्ट्री जब आप फिल्म देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, ही इज़ वेरी फाइन एक्टर। सबसे अच्छी बात कि वो हमेशा लर्न करते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि हर सेट पे हम कुछ नया सीखते हैं, बट यश ऑलवेज और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनमें। रानी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि रानी चटर्जी जिस फिल्म में होती है उसमें एंटरटेनमेंट का वो पैकेज होता है, वो होता है, और साथ ही साथ एक सरप्राइज भी होता है, सरप्राइज तो जब फिल्म आएगी तब मालूम पड़ेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इसमें मेरा लुक बहुत अलग है बाकी फिल्मों से। जो इसमें गाना है नाग नागिन के ऊपर, जो जिसमें यश भी नाग बने हैं मैं भी, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा, कॉमिक है साथ में। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नागिन है तो उसे इंसान कैसे खाते हैं, क्या करते हैं उसे नहीं पता है, तो जब वो इंसान के भेष में होती है तो वो बहुत कंफ्यूज्ड होती है, देवी से देवयानी बन जाती है, उसको खाना बनाना होता तो बोलती हूँ माय गॉड खाना कैसे बनाऊँ, लहसुन क्या है, अदरक क्या है, उसे पता नहीं, तो एक थोड़ी सी कॉमिक चीज़ें हैं इस रोल में जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी पब्लिक को। जैसे आपने लुक की बात की, तो आपने लुक को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी और अपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी, क्योंकि काफ़ी अलग लुक दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मेरा ध्यान ये था कि जो पिछली नागिन थी उसका कोई भी लुक मैच ना हो इस लुक में, इसलिए मैंने थोड़ा गोल्डन ड्रेस ही इस में पहना, गोल्डन के साथ आपने देखा होगा अगर आप लोग अभी देखेंगे या हमारी ऑडियंस देखेगी, रेड कलर की बहुत बड़ी सी बिंदी मैंने लगाई है, रेड लिपस्टिक है,
तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो बहुत अच्छी लग रही है मेरे क्लोजेस्ट शॉट आई लव इट कि मतलब थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। नागिन ड्रेस पे इतनी बड़ी सी बिंदी कभी किसी ने नहीं लगाई, मैंने लगाई। इसके अलावा फिल्म से थोड़ा एक अलग सवाल पूछना चाहूँगा, प्रत्युषा बैनर्जी जो कि टेलीविजन की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है वो आज हमारे बीच नहीं रही, तो उसके बारे में क्या? इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिप्रेसिंग। मैं रात भर नहीं सो पाई क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की एक लड़की जिसने सक्सेस भी देखा और उसने ऐसा कदम उठाया, क्यों उठाया पता नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो एक्टर अकेले मुंबई में रहते हैं, खासकर एक्ट्रेसेस जो लड़कियां हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट प्लीज़ रहे। वो लोग किसी भी दौर से गुजर रहे हों, अनसक्सेस दौर से गुजर रहे हों, फैमिली सपोर्ट होगा तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगी। हो सकता है कि उस वक्त प्रत्युषा के साथ कोई अगर घर में होता तो शायद ऐसा कदम नहीं उठाती। मैं हमारी अपकमिंग एक्ट्रेसेस को भी यही कहूँगी कि जब भी ऐसा कोई भी मोड आए, प्यार के लिए कभी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए कभी नहीं, ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसा कदम कभी ना उठाए, मैं यही कहना चाहूँगी। इट्स रियली वेरी डिप्रेसिंग। ये दूसरी बार हुआ है जब इंडस्ट्री में किसी एक्ट्रेस ने ऐसा कदम उठाया, और पहले जिया खान की अगर बात करें और इसके बाद अभी प्रत्युषा ने, तो क्या रीज़न होता है इस तरह की कदम उठाने का? एक्चुअली रीज़न देखिए, मरने के जब इंसान मरने का फैसला करता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में होती होंगी। शायद मुझे लगता है कि पता नहीं किस सिचुएशन में लोग उस वक्त जाते होंगे, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, हो सकता है किसी चीज़ की कमी उनकी ज़िंदगी में उनको महसूस होती होगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी फेस करे, इनफैक्ट मैं भी नहीं चाहूँगी कि कोई भी ऐसा फेस करे अपनी लाइफ में, बस ऐसी सिचुएशन किसी की लाइफ में नहीं आए। लेकिन ऐसा होना, जैसे हम लोग बातें करते हैं नारी शक्ति, फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, फीमेल्स ऐसी हादसों से लगता है कि नो, अभी भी कहीं ना कहीं लड़कियों में वो चीज़ें हैं जो सक्सेस होने के बावजूद कैसे कदम उठा सकते हैं मरने का, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बस फैमिली सपोर्ट, उनकी सबकी फैमिली से मैं कहूँगी, जो एक्ट्रेसेस की फैमिलीज़ हैं, प्लीज़ अपने गर्ल्स का, अपनी बेटियों का प्लीज़ सपोर्ट करें, ऐसी सिचुएशन में उन्हें जाने ही ना दें। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह का बॉन्ड शेयर करती थी प्रत्युषा के साथ, कभी मिली थी आप यहाँ? नहीं, मैं कभी मिली नहीं, बट हाँ ऐसे हेलो हाय कभी कभार हुई, कभी बहुत पर्सनली हम लोगों का बातचीत नहीं था, लेकिन हम इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री में ऐसा होता है तो डर लगता है। जैसे कल से मैं सोच में पड़ गई कि 24 साल की लड़की जब ऐसा फैसला ले सकती है तो मतलब डर लगता है कभी कभी सो देख के। ये सब जिया खान का नहीं, आत्महत्या लूजर्स करते हैं, आत्महत्या करने से ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। देखिए जैसे हमारे पुराने जो फीमेल्स होती थी ससुराल में, बहुत ज़्यादा उन लोगों को टेंशन मिलती थी, वो लोग कभी आत्महत्या नहीं करते थे, वो लोग लड़ते थे। लेकिन आजकल की लड़कियों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, सक्सेस मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बावजूद इतनी कमज़ोर क्यों हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, आई डोंट नो। नारी शक्ति हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि नारी शक्ति का लोग मतलब यूज़ भी करते होंगे। ऐसी सिचुएशन में तो हिम्मत से काम लेना चाहिए, माँ बाप से शेयर करना चाहिए, कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाना चाहिए, लेकिन मरने का फैसला इज़ वेरी ये लूजर्स लेते हैं, ये ब्रेव लोग नहीं ले सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संतोषी कहाँ है जिन्होंने ट्रेलर काटा है? ये हैं हम लोग जिन्होंने इच्छाधारी बनाई है, और आप सब लोग इंडस्ट्री के सारे सीनियर लोग, तजुर्बेकार लोग, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए पूरी यूनिट खड़ी है यहाँ पे इच्छाधारी की। मैं चाहता हूँ रानी सबसे पहले आप बोले। थैंक यू, आप सभी को मेरा हेलो। और मैंने भी आज ही ट्रेलर देखा, रियली आउटस्टैंडिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, और बाबूजी थैंक यू सो मच, एंड यश, क्योंकि सबसे पहले यश का ही फोन आया था इस फिल्म के लिए, और देव जी
पहले भी काम किया है हमने, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे। मेरे दिल से ख्वाहिश है कि ये फिल्म सुपरहिट हो, क्योंकि एक फिल्म चलती है तो सभी को उस फिल्म से जुड़े हुए सभी लोगों को उससे फ़ायदा होता है। मैं चाहूँगी कि इस टीम के साथ मैं हमेशा ऐसे जुड़ी रहूँ। दिनेश चूँकि असिस्टेंट है तब से मेरे साथ काम नजर आएगी। थैंक्स टू धनंजय भैया
जब मैं असिस्टेंट था तो मैं गाना सुनते आया था, माई बाबू की चरणिया में चारों धाम बा, है ना भैया, ये गाना है विनय भैया। उस समय मैं एज असिस्टेंट स्टूडियो में आया करता था, मैं वो गाना भूला नहीं हूं, बचपन से वो ध्यान में है। और उस गाने के बाद राजेश भैया ने एक गाना लिखा जो मेरे दिल को छू गया। राजेश भैया थोड़ा सा गनवा गुनगुना देंगे थोड़ा सा। तो इसमें सिचुएशन ऐसा है, अब ये आप लोग देखिएगा फिल्म तो मालूम पड़ेगा, माँ बेटे को माँ पहचान नहीं रही है और बेटा जो है वो माँ को मनाता है कि काहे चिन्हत नहीं खुमाई, हम तो तोहरे हई परछाई, तनिका छतिया से अपना लगा ले तू ना माई, हमरो कर जबा जुड़ा दे तू ना माई, हमरो कर जबा जुड़ा दे तू ना। ये देव बाबू और यश मिश्रा, कम से कम मैं यही ईश्वर से मनाता हूँ इसी टाइप का गाना हमको लिखने को मिले, मैं उसी में धन्य रहता हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि मैंने माँ के ऊपर गाना, तो बस आप लोगों का आशीर्वाद प्यार चाहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, लेकिन जो मेरी इच्छा है कि मेरे बड़े भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं चंदर पांडे जी, और मेरी माँ आई हुई है। होली से पहले मैं अपने घर गया गांव सुल्तानपुर और अपनी माँ को लेके आया हूँ, मेरी माँ बैठी हुई है और मेरी बहन भी है। मैं जब 5 साल का था तब मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी, तो मेरे पास दो दो माएँ थी, मेरी भाभी भी एक माँ थी और मेरी बड़की माई है ही है। और बड़े भैया पिता समान खूब मारते थे, खूब पढ़ाते थे, बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों मार रहे हैं, बहुत मारते थे पढ़ने के लिए। और आज जो कुछ भी हूँ उनके अंदर बहुत बड़ी कला छुपी हुई है, खुद हीरो बनना चाहते थे लेकिन मुझे कभी मना नहीं किया मैं हीरो मत बनूँ। माई बोलती थी कि नचनिया गाना जब बंद कर पढ़ाई कर इंजीनियर बन, आज मैं इंजीनियर हूँ। उसका सारा क्रेडिट मेरी बहन को जाता है क्योंकि मैं अपनी 12वीं की परीक्षा दे के सुल्तानपुर चले गया था कि एडमिशन मिले या ना मिले लेकिन हल तो जरूर चलाऊंगा, क्योंकि बाबूजी बोलते थे नहीं पढ़ोगे तो हल चलाओगे जाओ। तो पिछले साल बाबूजी गुजर गए, बाबूजी हैं ऊपर देख रहे हैं और आज उनके रूप में दूसरे बाबूजी मिले हुए हैं, जो 3 साल से मैं घर में बैठा हुआ था उसके बाद इच्छाधारी मेरी शुरू हुई। तो मेरी माँ है, भैया माई को लेके आइए प्लीज, दीदी आइए। संजय जी पांडे जी, एक ही संजय बनाएगा।
धनंजय भैया, दीपक भाटिया जी, बाबू जी वो सीधी